अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों। विपक्ष आए दिन सनातन को लेकर कोई न कोई विवादित बयान दे रहा है, जिसकी वजह से राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर गुस्से में बरस पड़े। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जो कहा उससे विपक्ष में हलचल मचना तय है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता जो बयान दे रहे हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा। वहीं G20 पर कांग्रेस की नेत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता का दिवालियापन दिखता है। यूपीए गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन किया है, लेकिन चोला बदलने से चाल चलन चरित्र नहीं बदलता। दरअसल अनुराग ठाकुर राजस्थान पहुंचे, राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे गठबंधन दल को ही आड़े हाथों ले लिया। सनातन से लेकर पत्रकारों के बायकॉट तक उन्होंने हर मुद्दे पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने आप खुद सुनिए। आपको जय श्री राम कहने में शर्म तो नहीं आती? किसी को आती है शर्म? अरे कांग्रेसियों को तो शर्म आती है सनातन धर्म से। खत्म करना चाहते हैं सनातन धर्म को, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिए हुए संविधान को कुचलना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के। हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं और तुम्हें याद करके कहना चाहता हूं, मुगल आए आकर चले गए, मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी आए आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों। इंडिया गठबंधन के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ लोगों ने अपना भ्रष्टाचारी चेहरा छिपाने के लिए यूपीए गठबंधन के नाम को बदलने का प्रयास किया है। उनको लगा कि शायद चोला बदल लेंगे तो सब बदल जाएगा, लेकिन चेहरा, चरित्र और चाल में भ्रष्टाचार ही नजर आएंगे। 2G स्पेक्ट्रम सहित कई तरह के घोटाले किए हैं, लोगों को भारत के नाम से भी घृणा है, जबकि हमारा संविधान स्पष्ट कहता है कि इंडिया इज द भारत और हम सभी को गर्व है कि हम भारतीय हैं। इंडिया अलायंस की जिस तरह से अनुराग ने क्लास लगाई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।